आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जहाज यात्रा के लिए डेढ़ महीने में 2699 लोग निकले। इस साल हज यात्रा के लिए सबसे बड़ा दिन जहां हज यात्रा की अंतिम तिथि है। ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा भी जारी। 1 नवंबर से हज यात्रा के आवेदन की प्रक्रिया हुई थी शुरू। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जहां हज यात्रा के लिए डेढ़ महीने में 2699 आवेदन। इस साल हज यात्रा के लिए सबसे कम आवेदन आए हैं। जहां हज यात्रा की अंतिम तिथि है 31 जनवरी। ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा भी जारी। 1 नवंबर से हज यात्रा के आवेदन की प्रक्रिया हुई थी शुरू। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। हज यात्रा के लिए डेढ़ महीने में 2699 आवेदन। इस साल हज यात्रा के लिए सबसे कम आवेदन। ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा भी जारी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां हज यात्रा के लिए डेढ़ महीने में 2699 आवेदन। अगली बड़ी खबर, निर्वाचन आयोग ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ली है सभा चुनाव में अफवाहों को फैलाने से रोका। अफवाहों रोकने के लिए किए जाएंगे मजबूत इंतजाम। पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट के माध्यम से तथ्यों की होगी जांच। अफवाहों का खंडन करते हुए दोषियों पर होगी कार्रवाई। निर्वाचन आयोग ने लिया है बड़ा फैसला। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए लिया है ये फैसला। चुनाव में अफवाहों को फैलने से रोका जाएगा। अफवाहों रोकने के लिए किए जाएंगे मजबूत इंतजाम। पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट के माध्यम से तथ्यों की होगी जांच। अफवाहों का खंडन करते हुए लिया गया है ये फैसला। निर्वाचन आयोग ने लिया फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उन्नाव की रेप पीड़िता के एक्सीडेंट का मामला। बरी हुए पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर। सेंगर के खिलाफ प्रथम दृष्टया में नहीं मिला है कोई सबूत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको उन्नाव से बता रहे हैं। जहां उन्नाव की रेप पीड़िता के एक्सीडेंट का मामला था। जो बरी हुए हैं पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर। सेंगर के खिलाफ प्रथम दृष्टया में नहीं मिले हैं कोई भी सबूत। इस वक्त की बड़ी खबर। उन्नाव रेप पीड़िता के एक्सीडेंट का मामला आपको बताया जा रहा है। जहां बरी हुए हैं भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर। सेंगर के खिलाफ प्रथम दृष्टया में नहीं मिले हैं कोई भी सबूत। इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उन्नाव की रेप पीड़िता का ये मामला। बरी हुए हैं भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर। सेंगर के खिलाफ प्रथम दृष्टया में नहीं मिले हैं कोई भी सबूत। उन्नाव की रेप पीड़िता का एक्सीडेंट का ये पूरा मामला आपको बताया जा रहा है। जहां बरी हुए हैं भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर। सेंगर के खिलाफ अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता चेतन ने हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो चेतन ने क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, आखिर क्या था ये पहले पूरा मामला? बताना चाहूंगा कि कल कोर्ट ने फैसले में आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर जो कि पूर्व विधायक थे भाजपा पार्टी से, उनके सहित 5 आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया में कोई सबूत न मिलने पर बरी कर दिया गया है। और अदालत 4 आरोपी जिसमें आशीष कुमार पाल, विनोद मिश्रा, हरिपाल सिंह और नवीन सिंह के खिलाफ 21 दिसंबर को कोर्ट में आरोप तय करेगी। जी जी, अभी आगे ये है कि जो कुलदीप सिंह सेंगर को अभी बरी कर दिया गया है, उसके अलावा भी और जिनको दोषी ठहराया गया है उनके लिए क्या कार्रवाई की जा रही है? गौरतलब हो कि जो युवती का रेप मामला था, पीड़िता का रेप मामला था, उसमें कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट ने धारा 376 और पास्को के सेक्शन 6 के तहत उनको दोषी पाया था।
उसी के बाद ये मामला 2019 में आया था, जिसमें रायबरेली रेप पीड़िता जा रही थी, जिसमें ट्रक ने एक वाहन को टक्कर मारी थी, जिसमें उनकी मौसी और वकील यात्रा कर रहे थे। लेकिन पूरा मामला जब सुप्रीम कोर्ट में इसको फास्ट ट्रैक में लिया गया था और जब इसमें मामले को आगे चलाया गया है, तो प्रथम दृष्टया कोई सबूत न मिलने पर आरोपी सहित 5 लोगों को बरी कर दिया गया है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया चैतन्य हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, जहां पर उन्नाव की रेप पीड़िता का मामला आपको बताया था, जिसमें पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बरी किया गया है। 23 दिसंबर को पीएम मोदी का वाराणसी है दौरा, पीएम मोदी करखियाव में करेंगे शिरकत। पीएम के दौरे को लेकर एसजीपीजी की टीम पहुंची है, जहां कार्यक्रम स्थल पर बढ़ाई गई है सुरक्षा व्यवस्था। 2000 करोड़ की योजनाओं को देंगे सौगात, पीएम की जनसभा में होगी सौगातों की बारिश। 23 दिसंबर को पीएम मोदी का वाराणसी दौरा है इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी करखियाव में करेंगे जनसभा। जहां पीएम के दौरे को लेकर एसपीजी की टीम मौके पर मौजूद, कार्यक्रम स्थल पर बढ़ाई गई है सुरक्षा व्यवस्था। 2000 करोड़ की योजनाओं को देंगे सौगात, पीएम की जनसभा में होगी सौगातों की बौछार। फतेहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 65 साल के व्यक्ति का जला हुआ शव बरामद हुआ है। शव को देखकर ग्रामीणों ने पुलिस को दी है सूचना। सूचना के बाद मौके पर पहुंची है पुलिस, जो मामले की तहकीकात में जुटी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिंदगी कोतवाली क्षेत्र के कोरवा गांव का है ये पूरा मामला। फतेहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक 65 साल के व्यक्ति का जला हुआ शव बरामद किया गया है। शव को देखकर ग्रामीणों ने पुलिस को दी है सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने वो जांच में जुटी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिंदगी कोतवाली क्षेत्र के कोरवा गांव का है ये पूरा मामला। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमरदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अमरदीप, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, आखिर क्या है पूरा मामला? ये मामला ये है कि फतेहपुर जनपद के बिंकी कोतवाली क्षेत्र के कोरवा गांव का मामला है, जहां पर कोरवा गांव से कुछ दूर पर एक अमरूद का बगीचा था, जहां पर ये मृतक युवक है, जो वृद्ध था, वो अमरूद की बाग की रखवाली करता था और कल शाम को ये खाना खा करके वहाँ बाग बगीचे पे गया हुआ है। पर सुबह जो है अभी आग कैसे लगी या ये वृद्ध का शव कैसे मिला, ये बहुत सारे ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनका अभी उत्तर मिलना बाकी है। पर जब सुबह ग्रामीणों ने देखा है तो उस वृद्ध का जो है शरीर जला हुआ मिला है, वो मृत पाया गया है। एक तरीके से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। हड़कंप मचने के बाद पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात में भी जुट गई है और उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया हुआ है। पर अगर वहीं हम दूसरी तरफ देखें तो अभी तक परिजनों की तरफ से कोई भी बात सामने निकल कर नहीं आ रही कि आखिरकार इस वृद्ध की मौत कैसे हुई है, आग लगाई गई है या लग गई है, तापते वक्त ऐसा कुछ हादसा हुआ है। ये बहुत सारे ऐसे उत्तर हैं श्वेता जी, जिनका अभी उत्तर मिलना बाकी है। जी अमरदीप, अभी जिस तरीके से पारिवारिक जनों को भी अभी संशय बना हुआ है, तो पारिवारिक जनों ने किसी रंजिश की बात नहीं की, क्या कोई रंजिश चल रही थी इस व्यक्ति की? देखिए ऐसा है कि वृद्धों से तो रंजिश की तो कोई बात ऐसी सामने निकल कर नहीं आ रही, ग्रामीणों से भी बात करने का प्रयास किया गया है। तो ये बिल्कुल एक तरीके से एकाकी जीवन व्यतीत करता था कि जो अपने घर से खाना खा करके और ये अमरूद के बगीचे की रखवाली करता था। अब बात आती है कि जहां तक पुलिस का मामला है तो पुलिस ने तो यही कहा है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद क्या परिवारजन तहरीर देते हैं, क्या उसमें मुकदमा दर्ज होता है, तो ये बहुत आगे की बात है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही ये सारा कुछ निर्णय हो पाएगा। जी अमरदीप, किस समय की ये घटना बताई जा रही है, किस वक्त ये हादसा हुआ है? देखिए ऐसा है कि हमने पहले ही विकास श्वेता जी की ये जो है रात को खाना खाने के बाद बगीचे पे गया है और रात में कितने समय घटना हुई है ये तो नहीं पता चल पाया है। पर अब ये जरूर है कि ये सुबह जब बगीचे पे आए, सुबह जब लोगों ने बगीचे पे जाकर देखा है तो ये जो है मृत पड़ा हुआ था, इसका शरीर जला हुआ था। जी
जी पुलिस प्रशासन का इस पे क्या कहना है, क्या उनको लगता है, क्या अनुमान लगाया जा रहा है, जिस तरीके से लोग अनुमान लगा रहे हैं कि ये खुद जला है या जलाया गया है, तो उस पे पुलिस प्रशासन का क्या कहना है, वो क्या कह रही है? देखिए पुलिस प्रशासन तो अभी बिल्कुल शांत है, अभी तो केवल उसका एक ही उद्देश्य है कि पुलिस ने उसको शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेजा हुआ है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही कोई निष्कर्ष निकल सकता है, अभी तक तो पुलिस की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया है जिससे कि मामला साफ हो सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमरदीप हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। शाहजहांपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एसओजी थाना पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, जहां अंतरराज्यीय गिरोह का हुआ है पर्दाफाश, सरगना सहित 5 नकाबपोश हुए हैं गिरफ्तार, 16 किलो सोने और 500 ग्राम चांदी के आभूषण बरामद किए गए, अशफाक नगर तिराहे से आरोपी गिरफ्तार किए गए। शाहजहांपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता हाथ लगी है, एसओजी थाना पुलिस को मिली है इस पे बड़ी सफलता, जहां अंतरराज्यीय गिरोह का हुआ है पर्दाफाश, जहां कई गिरोह के सरगना सहित 5 नकाबपोश हुए हैं गिरफ्तार, जहां 16 किलो सोने और 500 ग्राम चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं, अशफाक नगर तिराहे से आरोपियों को किया गया है गिरफ्तार। इस वक्त की बड़ी खबर शाहजहांपुर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एसओजी थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर उन्होंने अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल प्राइम टीवी, अभी तक आप देख रहे थे जियो टीवी एमएक्स प्लेयर पर, और अब ये आ गया है नेटविजन के चैनल नंबर 241।